कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही जोड़ी से मिलवाते हैं और रूबरू करवाते हैं उनकी मुलाकात से लेकर शादी और फिर 25वीं सालगिरह तक के इस रोमांचक सफर से। प्रेजेंटिंग यू दिस ब्यूटिफुल स्किट। ओए शिखर, जल्दी आओ, क्या पड़े पड़े गेम में लगे हुए हो, बहुत काम है, जल्दी चलो। काम? कैसा काम? समर वेकेशन के हॉलिडे होमवर्क तो कंप्लीट हो गए हैं और आपका मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे नादान, मम्मी पापा की एनिवर्सरी का काम, उनकी 25th एनिवर्सरी है, थोड़ा धमाल तो होगा ही। ओ हाँ, धत्तेरी की, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन खनक दीदी, हम लोग करेंगे क्या? हमें तो ये तक नहीं पता कि मम्मी पापा शादी से पहले कैसे थे। हाय, तुम्हें नहीं पता पापा उन दिनों कितने पॉपुलर थे? वेट, मैं तुम्हें बताती हूँ। गोरखपुर शहर में एक लड़का था परवाना सा, आंखों में सपने बहुत थे, जमाने को कुछ करके दिखाना था। एक मिनट, आप सब भी गौर कीजिए। पापा थे तो बड़े पॉपुलर, लेकिन आप मम्मी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमारी मम्मी तो पापा से भी एक कदम आगे थी। आज से 25 साल पहले मैं एक फूल सी लड़की रहा करती थी, आप खुद ही देख लीजिए। अरे शिखर, मुझे पता है मम्मा कैसी थी। आफ्टर ऑल हमारे पापा की एक्सपेक्टेशंस भी तो वैसी थी, क्योंकि हर लड़के की जिंदगी में वो वक्त भी जरूर आता है जब दिन भर मेहनत से काम करके वो रात को मन ही मन ये गीत गुनगुनाता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। अच्छा खनक दीदी, मम्मा अपने मिस्टर प्रिंस के बारे में क्या सोचती होंगी? हम आपके हैं कौन कि प्रेम जैसा होगा मेरा राजकुमार, सहेलियों से उठते बैठते बस यही कहा करती थी। दिन में तो अपने भाई बहनों और मम्मी के साथ वक्त बिताती और रात होते ही मुस्कुराते हुए यही गीत गुनगुनाया करती थी। मन्नत मांगी थी तूने, रोज में जाऊं बिहार।
शगुन का धागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। माई माई मुझे रूप तेरी बोल रहा है आगा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। तो फिर मम्मी पापा मिले कैसे? समय का पहिया आगे बढ़ा, बड़े बुजुर्गों में बात चली और फिर हुई मम्मी की दिखाई, और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। हाँ हाँ, एक नजर में मन भरता भी कहाँ। अरे पापा को एक ही झलक दिखी थी और वो भी पर्दों के पीछे से, और उस झलक के बाद लड़का तो मानो खो सा ही गया था। एक बार रिश्ता पक्का हो गया, फिर क्या था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो ख्यालों में ही खिचड़ी पका के काम चलाना पड़ता था। हैशटैग ख्याली पुलाव। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 28 जून 1998, जब दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर आए। बन गया ओए, बन गया सांडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया ओए, वो सेहरा सज गया जलवेदार, दुनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओ नच ले ओ यारा हो मित्रा हो। तैयारियां तो हमारे नाना के घर भी जोरों शोरों से चल रही थी, चलिए उसकी भी एक झलक देख ही लीजिए आप सब। कब से आए तेरे दूल्हे राजा, अब तेरी ना करे जल्दी आजा, कब से आए तेरे दूल्हे राजा, अब तेरी ना करे जल्दी। हमारी मम्मा भी डीप डाउन बहुत एक्साइटेड थी, ऑब्वियसली उनकी एक्साइटमेंट तब तो नहीं दिखी, आफ्टर ऑल ये उन दिनों की ब्राइड थी, बट आज किसी से छुपेगी भी नहीं। लाया बड़ा सिलाया, खुद
बहुत धूमधाम के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ और इसके साथ शुरू हुआ जिंदगी का वो दौर जिसकी खूबसूरत यादें दिल में और तस्वीरों में आज भी शामिल है। खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, हाय रे तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं नंगे से पग बीते कल के, सुख दुख के इस संगम पे लेना है क्यों छल के छल के, सुख दुख के इस संगम पे रित बाबुल की निभा दे अपनी बिटिया को विदा दे, रित बाबुल की निभा दे प्यारी बिटिया को विदा दे, रे आशीषों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात, बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात। इस समय में बस ऐसा लगने लगा था मानो जीवन में कुछ अधूरा सा पल पूरा होने लगा हो। हजारों दुआओं और आशीर्वाद से भगवान ने रिया, खनक और शिखर को इनकी जिंदगी में भेजा। चंदनिया छुप जाना रे, छंभर को लुक जाना रे, नींदी आंखों में आए बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आंखों में आए बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाओ गाओ रात भर सुलाओ मैं लोरी लोरी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। एक ऐसा भी वक्त आया जब पापा काम के सिलसिले में हफ्तों घर से बाहर रहा करते थे और मम्मी चुपचाप बस उनके वापस आने का इंतजार करा करती थी। Oh,
वक्त बदला और दोनों ने साथ में अपने नए घर में कदम रखा जो उन्होंने अपने मेहनत, प्यार और विश्वास से बनाया था। What a perfect life, यही सोचा है ना आप सब? मगर जरा ठहरिए जनाब, अभी इस शादी की गाड़ी एक ऐसे रास्ते पे आ पहुंची थी जहां सड़क से ज्यादा गड्ढे थे, और हर रिश्ते में नोक झोंक तो होती ही है। Disclaimer, only for entertainment purpose. ऐसे में मम्मी के ख्यालात कुछ इस प्रकार। परेशान पति की दास्तान आप सब ने इंस्टाग्राम मीम्स, व्हाट्सएप जो पे सुनी ही होगी, लेकिन आप चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। से काफी कुशल मंगल चल रही है और उस पे आप सभी अपनों का प्यार और कुछ और हो ना हो, मगर इस रिश्ते की मजबूती में इतना दम तो है कि आगे आने वाले सभी वर्षों में अपनी खुशी बरकरार रखते हुए जमानों की सारी चुनौतियों से लड़ सकें। जैसे होते हैं खाली बातों में सभी के वैसे ही।